नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNB TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। पुलिस अधीक्षक श्रुत कृति सोमवंशी ने सफलता के मंत्र बताए। छात्र छात्राओं को वह गुण सिखाए जिसके चलते, जिसके कारण अभ्यास करने के बाद यह छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। एक शिक्षक बन गए थे पुलिस अधीक्षक श्रुत कृति सोमवंशी, जिन्होंने लगभग एक घंटे से अधिक तक एक लेक्चर दिया, उद्बोधन दिया, छात्र छात्राओं को संबोधित किया और उसके बाद लगभग एक घंटे से अधिक तक अनेक छात्र छात्राओं के मन में उपज रहे प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी कॉलेज से पास आउट हैं? कॉलेज से पास आउट का नाम उठाएं बस। ओके, अभी कॉलेज में कौन कौन है? ठीक है, तो देखिए ज्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि कॉलेज से पास आउट है तो किसी ना किसी में होना चाहिए। वहां पर आपका परसीवेंस काम आता है। आपको बार बार अपने आप को इस चीज को समझने के लिए तैयार करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा अभी वो लेवल नहीं हुआ है, तो मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। सबके साथ होता है लाइफ में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें जिस व्यक्ति ने जहां से शुरुआत की और जहां उसने वो खत्म किया उसको जमीन आसमान कर देता है, वो केवल परसीवेंस से हो पाता है। इस चीज को अपने अंदर रखिए। आसान काम है पढ़ उसी में बैठ के पढ़ना, लेकिन अगर आपका मन नहीं लगेगा तो वो सबसे मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। बाहर जाके आपने सबने कभी कभी कोई फिजिकल हार्डवर्क किया होगा, कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप घर से निकले होंगे, ऑटो रिक्शा बस कुछ नहीं मिला होगा, आप पैदल चल के आए आपकी कोचिंग का या कॉलेज तक, आपको उस पर कुछ परसेंटेज का आइडिया लग गया होगा कि कितना कितना मुश्किल है बाहर रहना आपके समाज में। तो अपने आपका जो हार्डवर्क है उस चीज को अपने अंदर उसको जज कीजिए। आपका जो हार्डवर्क है हो सकता है वो टाइम ले, पर वो करते रहना है। पढ़ाई करना जो है वो अगर आप किसी रिक्शा चालक को देखेंगे बेचारे को दिन भर हार्ड तोड़ के वो काम करता है, उससे कंपेयर कीजिए अपने आप को। किसी मजदूरी करने वाले से कंपेयर कीजिए अपने आप को, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको। आपको केवल कुर्सी में बैठ के पढ़ना है, आपको वही कार्ड लग रहा है, आपको लग रहा है कि वही बहुत मुश्किल काम है। अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रखिए कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो कितनी परेशानी में है। आपको तो केवल कुर्सी में बैठ के पढ़ाई करनी है और एग्जाम क्रैक करना है। आप हो सकता है आप सब में से इस तरीके से कोई और कहानी हो सकता है आप में से किसी और का कोई और बैकग्राउंड हो, उतना आसान आपके लिए भी ना हो, पर फिर भी उस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब रही बात जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, अब बात पढ़ाई की कर लेते हैं, फिर तो मोटिवेशन की बात हो रही थी। कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी दुनिया का एग्जाम होगा, उसका एक सेट पैटर्न होता है, उसको क्रैक करने का एक तरीका होता है। कुछ लोग उस तरीके को तैयारी शुरू करने के पहले ही समझ जाते हैं, कुछ लोग 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 मिनट 10 मिनट देते हैं, कभी समझ नहीं पाते। कुछ लोग तैयारी करते करते उस चीज को क्रैक करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो हर एग्जाम को उसका एक तरीका जो उसका क्रैक है ना वो आपको समझना पड़ेगा। हर एग्जाम का, चाहे UPSC हो, चाहे क्लैट हो, चाहे IIT हो, चाहे कोई भी SSC हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, और उसको कैसे पता करेंगे आप कि वो तरीका क्या है। देखिए, जितने भी एग्जामिनेशन कराने वाली बॉडीज होती है दुनिया की, वो सिलेबस के बारे में या पेपर में क्या आने वाला है उसके बारे में कुछ नहीं बताती। जितनी भी आपको सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाएं मिलेंगी उनका जो सिलेबस होगा वो बहुत ओपन एंड होगा, कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ाना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए,
दुनिया का। आप उसके पिछले 10 साल के पेपर देखना शुरू कीजिए, केवल 10 साल के, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम था, 10 साल का पेपर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस किस किताब से पूछते हैं और क्या पूछते हैं। क्यों बात नहीं लिखो शुरू में, बाद में आप उस चीज को लिखोगे तब तक आप उसके ऊपर इतना गोबर लिख चुके होंगे कि बाद वाले पे वो आपके ध्यान नहीं देगा, फिर वो आपका आंसर पढ़ना शुरू करेगा क्या लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे उसके बारे में कोई डेटा दे दिया, बॉडी में क्या लिखी है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ज्ञात हो कि दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई दमोह में की गई थी, जिसमें वाचनालय और साथ में कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई थी, जहां आवश्यक पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने के कारण इन कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियों को बंद कर दिया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से भी बंद किया गया था। और उसके बाद छात्र छात्राओं में आक्रोश था, उनका कहना था कि हम जाए आखिर तो कहां। उसके बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर एक बड़ी व्यवस्था की गई और यहाँ पर पुरानी जिला पंचायत में जो वाचनालय है उसमें छात्र छात्राओं को अध्ययन करने के लिए बेहतर व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की गई है। प्रति सप्ताह यहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी और कोई ना कोई शिक्षक विद्वान आता है और छात्र छात्राओं को मोटिवेट करता है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी यहां आकर छात्र छात्राओं से संवाद कर चुके हैं और इसी क्रम में दमोह के पुलिस अधीक्षक चतुर्थकृति सोमवंशी ने भी संवाद किया। हमने उनसे चर्चा, आपने बच्चों को मोटिवेट किया है, किस प्रकार से आपका अनुभव रहा आज का? आज ये बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है, जिसमें जो की परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे हैं और तमाम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें ओवरऑल क्या तैयारी का स्वरूप होना चाहिए और हमारे मोटिवेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आम तौर पर हम क्या गलतियां करते हैं तैयारी में, उनको कैसे ठीक करना है, इन सब बातों को लेकर डिस्कशन हुआ। कुछ कुछ इसमें से बच्चों ने पुलिस के संबंध में सवाल पूछे, पुलिस के काम करने के तरीके क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्रिमिनल लॉज कैसे काम करते हैं। तो ये एक सामुदायिक पुलिसिंग का बहुत ही अच्छा एक आज प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था सभी बच्चों से और आगे से हम लोग इसको और बढ़ावा देंगे और मुझे लगता है कि हम हर संडे या उसके अलावा जो भी और टाइम निकलता है उसमें पुलिस से किसी न किसी अधिकारी से इनका इंटरेक्शन करवाएंगे। सर जैसे आज ये मतलब यहाँ बच्चे रहे और जिनने तो सीख लिया आपकी बात को समझ, आम जनमानस के लिए ऐसे बच्चे जो नहीं आ पाए उनके लिए क्या संदेश होगा? जो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की और मेरा संदेश वो सुन रहे हैं, उसमें मेरा ये मानना है कि तीन चीज़ें जो मैंने बताई यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसके लिए पढ़ने के लिए। दूसरा, आपका जो हार्डवर्क है उसका कोई वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। और तीसरा, जो आपके अंदर का मोटिवेशन है वो हमेशा इंट्रिंसिक अंदर से आने वाली चीज़ है, उसको अगर आप बाहर खोजेंगे तो वो कुछ दिन के लिए ही काम करेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म पे हेल्प नहीं करेगा। तो मोटिवेशन के लिए आप अपने अंदर देखें, उसको सेल्फ को देखें, और अगर आपका हार्डवर्क परसिवरेंस आपके साथ है तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं।